हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत बगड़िया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से ढूंढें, और जो भी बड़े यूट्यूबर हैं वो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, और मैं अपने वीडियो में कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल करता हूँ, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप यहाँ से इस्तेमाल करोगे तो आपके कोई कॉपीराइट क्लेम या एक्स्ट्रा का कोई खतरा नहीं रहेगा। आपको बहुत सी वेबसाइट ऐसी करने देती है, आपको वीडियो ऑडियो डाउन बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करने देती है, उसके बाद में जब आप अपना वीडियो एडिट पूरा कर लेते हो और जब अपलोड करते हो तो आपके कॉपीराइट क्लेम दे देती है। तो इस वेबसाइट पीछे आप अपना जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि आपकी एक बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से आपके कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आता है, तो आपके चैनल के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है और आप अपनी जो भी मेहनत की है वो आपकी बेकार भी जा सकती है। इसलिए आप ऐसा न हो आपके साथ में, आप अपने जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल करिए उसमें कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक ना आए, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे की वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले आप बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे हो तो आप YouTube लाइब्रेरी का इस्तेमाल है। मैं भी 90% जो भी मेरी बैकग्राउंड म्यूजिक है मैं उस YouTube लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये क्या है कि YouTube की लाइब्रेरी, अब हमको YouTube स्वयं अपने फ्री में बैकग्राउंड म्यूजिक प्राप्त करने के लिए अपनी एक लाइब्रेरी प्रदान करता है। इस लाइब्रेरी से बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद में आपको यूट्यूब ऑन कर लेना है। यूट्यूब ऑन करने के बाद में आपको अपना जो भी यूट्यूब स्टूडियो है उसमें जाना है। अब यूट्यूब स्टूडियो में आप जब जाओगे, जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे इसके अंदर ऑडियो लाइब्रेरी दिखाई देगा। अब इस ऑडियो लाइब्रेरी को आप ऑडियो लाइब्रेरी में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे साउंड इफेक्ट और म्यूजिक मिल जाएंगे। आप अपनी निश के रिकॉर्डिंग यहाँ से जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो जितने भी चुनना चाहो वहाँ से चुन के आप यहाँ पे एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। आप हम अपने बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल करेंगे तो आप हमारी कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक का खतरा नहीं रहेगा, हमें इसमें आपको कोई क्रेडिट देने की जरूरत होगी। तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्री में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप यूट्यूब लाइब्रेरी इस्तेमाल, आप प्रीमियम किसी भी ऑडियो को जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको खरीद सकते हो, तो आप खरीद के यूज में ले सकते हो, इससे आपको कोई कॉपीराइट क्लेम का खतरा नहीं रहेगा। पर आप फ्री में यूज ले रहे हो तो आप यूट्यूब लाइब्रेरी से इस्तेमाल कीजिए, यह आपके लिए बेस्ट स्थान है जहाँ से आप आसानी से फ्री में बैकग्राउंड म्यूजिक यूज ले सकते हो। इसमें कुछ समय निकालोगे तो आप आसानी से आप अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक फाइंड कर सकते हो। सेकंड की मैं बात करूँ तो मेरे भी कुछ वीडियो हैं उसमें मैं इस वेबसाइट से अपने जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो यूज करता हूँ अपने वीडियो में, मैं पर्सनली यूज करता हूँ, इसलिए आपको मैं ये वेबसाइट रिकमेंड करूँगा। पहले से भी इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ, उसको भी जाके देख सकते हो। आप जब अपना क्रोम एक्सटेंशन ऑन करोगे और टाइप करोगे Pixabay तो आपको ये वेबसाइट ऊपर प्राप्त हो जाएगी। जैसे इस वेबसाइट को क्लिक करोगे तो आपको इसका इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत सारी कैटेगरी दिखाई देंगे, जैसे अपने फोटो वीडियो और म्यूजिक। आप इसको इसके अंदर आपको म्यूजिक सेलेक्ट करना है। म्यूजिक जैसे आप म्यूजिक पे क्लिक करोगे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ से चाहिए वो बैकग्राउंड म्यूजिक आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें भी आपको कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं कि एक क्लिक में आपका ये बैकग्राउंड म्यूजिक है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको कुछ ये जो भी वेबसाइट है आपको फ्री में जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो प्रोवाइड कराती है, इससे आप आसानी से उन बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको इस वेबसाइट के बारे में मालूम नहीं था तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थर्ड की भी बात करूँ तो थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट टूल है। इस टूल में क्या होगा कि आप दो वर्क कर सकते हो। सबसे पहला कि आप अपने YouTube वीडियो का SEO मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि SEO मेंटेन करने का टूल है। जब आप इसका प्रीमियम प्लान ले लोगे तो आपको ये कुछ जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपको उसका भी सब्सक्रिप्शन प्लान साथ में देता है, जिसको आप डाउनलोड करके अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। इस टूल का नाम है TubeBuddy। इस टूल के बारे में मैंने बहुत से पहले भी वीडियो बनाए, उनमें भी बहुत से वीडियो में बताया है। इस टूल को आप जैसे एक सा प्रीमियम प्लान ले लोगे तो आपको अपना YouTube ऑन करना है। YouTube ऑन करने के बाद में जो भी इसका माय अकाउंट है उस पर आपको क्लिक करना है। माय अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें आपको मेम्बर पैकेज पर क्लिक करना है। मेम्बर पैकेज पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जो भी आपको साथ में इस TubeBuddy का आप सब्सक्रिप्शन प्लान लिए उसमें साथ में आपको क्या क्या सब्सक्रिप्शन प्लान मिले हैं उनको भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। ऑडियो हीरो और सेकंड है जेक डिक,
इन दोनों की आपको फ्री में जो भी ऑडियो है उनका सब्सक्रिप्शन प्लान दे दिया है। इनमें लॉगिन करोगे आप इनको आसानी से अपनी ऑडियो जो भी इनके ऑडियो हैं वो डाउनलोड करके यूज में ले सकते हो। आप इसमें कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक का कोई खतरा नहीं रहेगा। आप इसके बारे में भी नहीं जानते थे, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे। इस टू लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से इसको जाके इसका प्रीमियम प्लान लीजिए।